हे हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। मैं हूं आपका होस्ट, आपका मेंटोर सीएमए रोहन शर्मा, और मेरे साथ है लीजा शाहू। आज इस सेशन में लीजा ने सीएमए क्वालिफाई किया है दिसंबर 2023 अटेम्प्ट में, और लीजा का कैंपस प्लेसमेंट में वेदांता में फर्स्ट जॉब ऑफर मिला है लीजा को। तो सुनते हैं लीजा की स्टोरी, कितना एक्साइटेड है और कितना मोटिवेशन मिलता है। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। हाय लीजा, हाउ आर यू, कैसे हो आप? हेलो सर, आई एम गुड सर। एंड व्हाट अबाउट यू सर? मैं भी बहुत अच्छा हूँ, थैंक्स फॉर आस्किंग। सो कैसा फील हो रहा है आफ्टर गेटिंग फर्स्ट ऑफर, और भी कैंपस से ऑफर है? हाँ सर, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है सर। लाइक आई वाज वेरी वेरी हैप्पी सर, एंड मेरी फैमिली में भी सब अभी इतना खुश है, इतना प्राउड फील कर रहे हैं मेरे ऊपर। वो तो होता है, ये सब सम बेस्ट मोमेंट्स, गोल्डन मोमेंट्स ऑफ लाइफ है, जो एंजॉय करो अभी, राइट? सो जब कैंपस से ऑफर मिला डेफिनेटली था आपको, वो मोमेंट आपके लिए कैसा था? आप बिलीव कर पा रहे थे खुद को लेके? सो सर, क्या हुआ कि मैं जब इंटरव्यू रूम से बाहर निकली तो 2-3 सेकेंड के अंदर ही मुझे कॉल आ गया कोलकाता चैप्टर से, कोलकाता हेड ऑफिस से, कि आप सिलेक्टेड हो वेदांता में और आप दूसरे कुछ कोई दूसरे कंपनी में नहीं बैठ सकते हो इंटरव्यू के लिए। सो मुझे तो मतलब विश्वास बिलीव भी नहीं हो रहा था कि हाँ ये हो रहा है, कि फाइनली मुझे जॉब मिल गई जिसके लिए मैंने इतने साल वेट किया है, इतने मेहनत किया है। मेरे पापा मेरे मम्मी सब इतना इतना तरसे थे इस मोमेंट के लिए। सो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो अच्छा, और आंखों से आंसू भी आया था? हाँ सर, सच में मुझे तो बिलीव ही नहीं हुआ था। मतलब 4-5 मिनट तक तो मुझे बिलीव ही नहीं हुआ था। मैंने 2-3 बार, वो एचआर मैम थी एक, तो 2-3 बार उनसे पूछी कि मैम सच में सिलेक्शन हो गया है ना मेरा, और मतलब फाइनल ये हुआ है ना? तो राइट, बोले कि हाँ फाइनल, कुछ भी नहीं होगा, यू आर ओके ओके, सिलेक्टेड। ग्रेट ग्रेट। सो आफ्टर दैट, आपने मुझे भी बताया, तो आपको हाँ कैसा कैसी रही आपकी जर्नी मेरे साथ? हमने 2 महीने के अप्रोक्स साथ में काम किया कैंपस के प्रिपरेशन के लिए। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? सर, मैं तो एक्सप्लेनेशन भी नहीं कर सकती हूँ सर, इतना अच्छा था। मतलब मुझे तो, मैं जब इंटर पास करके फाइनल में आई ना, तो मुझे ये फिक्स था कि मैं रोहन सर से क्लास ही लूंगी, क्योंकि मैंने आपका हर एक वीडियो जो आपने स्टोरी रिकॉर्ड करके सबका सेंड किया है, वीडियो अपलोड किया है, तो मैंने सारा देख लिया था। तो मुझे ये था कि हाँ मुझे भी ये करना है, और सक्सेसफुल जब मैं फाइनली जॉब हो जाएगा तो मेरे भी एक स्टोरी रिकॉर्ड ऐसे होगा। तो मुझे ये वेट था, और मैंने सुना था भी 2-3 जन से कि आपका बहुत ही अच्छा होता है, ये होता है। तो मैंने जब रिजल्ट आया कि मैं पास हो गई, तो उस दिन ही मैंने आपको कॉल लगा दिया था कि सर राइट, मुझे आपकी क्लास लेनी है, मुझे याद है आपने और इंस्टाग्राम पे क्लास भी ले। कनेक्ट किया था मेरे से। हाँ, मैंने तो रिजल्ट से पहले ही आपसे कनेक्ट किया था, तो आपने बोला कि नहीं रिजल्ट पहले निकलने दो, उसके बाद हम क्लास करेंगे। तो रिजल्ट जिस दिन ही निकला उस दिन ही मैंने आपको कॉल किया कि सर मुझे आपसे लेना है, क्लास लेना है। ओके ग्रेट। अच्छा, जो आपने सुना और देखा और फिर आपने ज्वाइन किया, तो पर्सनल फील आपका कैसा रहा एट द एंड? सर मैंने जितना सोचा था उससे बहुत ही ज्यादा ये डेफिनेटली बेनिफिट होगा, सबके लिए बेनिफिट होगा। मेरे जैसे बच्चे जिसका इतना ओवर कॉन्फिडेंट जो इतना नहीं है, और जिसका फीलिंग पर्सनल मतलब पर्सनालिटी जिसका इतना अच्छा नहीं है, तो उसके लिए तो बहुत ही डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छा क्लास है ना, मतलब बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। राइट राइट, थैंक यू। वैल्यू फॉर मनी रहा आपके लिए, राइट एट द एंड? हाँ, डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। ओके, अच्छा, जब आप सीएमए क्वालिफाई किए थे, राइट, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, वो बड़े अवार्ड्स आपको दिखे होंगे सबसे पहले, तो वो मोमेंट आपके लिए कैसा था, सीएमए बनने वाला मोमेंट? ओ सर, उस दिन को याद करो तो अभी भी मुझे रोना आएगा, क्योंकि वो मोमेंट ऐसा था ना, मैं जब रिजल्ट निकलने वाला था तो मैं मंदिर में उस टाइम थी, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं मंदिर में ही देखूंगी अपना रिजल्ट। तो मंदिर में ही आया नोटिफिकेशन कि रिजल्ट आउट, तो मैंने जस्ट मेरा जो रजिस्ट्रेशन नंबर
डालकर जब मैंने चेक किया और मैंने सिर्फ और कुछ भी नहीं देखा सर, सिर्फ वो कंग्रेचुलेशन वर्ड देखा। उसके बाद मैंने फोन साइड में रखकर अगर पहले पहले प्रभु जी को, भगवान जी को बहुत 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 थैंक यू बोला। उसके बाद मैंने कुछ टाइम के बाद मेरा रिजल्ट दिखा कि क्या मार्क है, किस में कितना आया है, लेकिन वो कंग्रेचुलेशन वर्ड मेरे लिए बहुत बहुत ही मायने था। मैंने तो बहुत पहले से वो मैनिफेस्ट कर लिया था कि सर मुझे वो देखना है, मुझे वो कंग्रेचुलेशन वर्ड देखना है। मैं हमेशा डायरी में, अपनी डायरी में लिखती थी कि मुझे कंग्रेचुलेशन वर्ड दिखना है दिखना है। तो वो मेरे लिए एक सपना जैसे था सर, ग्रेट इट वॉज ए रियली ड्रीम कम ट्रू। या मम्मी पापा भी बहुत एक्साइटेड हुए होंगे राइट। हाँ, बहुत ही ज्यादा था। ओके ग्रेट। सो अच्छा आपने सीएमए कोर्स कैसे आपने चूज किया, लाइक व्हाई यू हैव चूजन सीएमए एज ए करियर, आपको क्या लगा सीएमए कोर्स में ऐसा कि आपने सोचा कि नहीं मुझे सीएमए कोर्स ही करना चाहिए। हाँ, तो सर क्या हुआ, 12th के बाद जब 12th का रिजल्ट आया तो मैं टॉपर लिस्ट में थी। तो हमारे काउंसलिंग क्लास होता है कि कौन सा कोर्स आगे करना है, तो मैं जहाँ से ट्यूशन ली हूँ वो सर ने मुझे बोला कि आप सीएमए कर लो, तो मैंने ज्वाइन एडमिशन ले लिया सीएमए में। ओके ग्रेट। अच्छा आपने वहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट की, आप बिल्कुल न्यू थे सीएमए के लिए और एक प्रोफेशनल कोर्स था, तो क्या आपको कोई चैलेंजेज फेस करने पड़े थे इनिशियल स्टेज में? सर फाउंडेशन तो बहुत ही इजीली हो गया था, देन इंटरमीडिएट में थोड़ा चैलेंजिंग लगा क्योंकि न्यू कोर्स है, न्यू कुछ सब्जेक्ट भी थे जो बीकॉम में नहीं थे, मतलब बीकॉम में बाद में सेमेस्टर में आने वाले थे, तो पहले ही हमने पढ़ लिया था वो, तो थोड़ा थोड़ा चैलेंजिंग लगा, लेकिन इतना भी नहीं लगा क्योंकि मैंने सब सेल्फ स्टडी में ही किया है सारा सब्जेक्ट। तो मैं यूट्यूब से देखकर और अपने आप से मतलब बुक से रीडिंग करके मैं पढ़ लेती थी सर। ओके सो मतलब आपने कोई प्रॉपर क्लासेस नहीं लिया राइट? नहीं सर, प्रॉपर क्लासेस मैंने किसी के लिए नहीं लिया, सिर्फ ओके ग्रेट। फाइनल में एक सब्जेक्ट के लिए लिया था फाइनल में, और बाकी सारा सेल्फ स्टडी सर। ओके मतलब इंटर फाइनल सब सेल्फ वन सब्जेक्ट की क्लासेज फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने क्वालिफाई किया, तो लाइक क्या एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी रहती थी आपकी, आप किस तरीके से आप सीरियसनेस के साथ आपने अपनी पढ़ाई की है? हाँ, तो सर एक बात है कि कंसिस्टेंटली आपको पढ़ना पड़ेगा, रोज 2 to 3 hours पढ़ो, लेकिन रोज पढ़ो, कुछ भी हो जाए, एवरी डे यू शुड स्टडी फॉर 2 to 3 hours। सो मेरा स्ट्रेटेजी यही था कि मुझे हमेशा पढ़ना है, कुछ कुछ थोड़ा ही पढ़ू लेकिन कुछ हमेशा पढ़ना है। और मेन सर जो भी स्ट्रेटेजी मेरी थी वो था स्मार्ट रिविजन, क्योंकि रिविजन इट्स मस्ट नीडेड फॉर आवर पासिंग ऑफ दिस एग्जाम। सो मैंने बहुत बार रिविजन कर लिया था, लाइक मैंने हर एक ग्रुप में 4 to 5 रिविजन किया है बिफोर एग्जाम, ग्रेट। और बाकी जो भी हमारी स्टडी स्टडी मटेरियल है उसने उससे मैं स्ट्रिक्टली फॉलो करती थी, और बाकी हमारी जो भी वर्कबुक है और जो भी मैट ये सब रिलीज होता है उससे मैंने हमेशा स्ट्रिक्टली फॉलो करती थी। पास्ट ईयर एग्जाम पेपर हो गया, वो तो बहुत ही हेल्पफुल होगा, पास्ट ईयर एग्जाम पेपर एंड स्टडी मटेरियल। अच्छा लाइक आपने नोट्स खुद से बनाए थे सब्जेक्ट्स के लिए, बिकॉज क्योंकि आपने कहीं से क्लासेस नहीं ली थी तो एक चैलेंजिंग टास्क था कि क्या नोट्स बनाए कैसे बनाए। हाँ सर, इंटर तक तो मैंने कुछ नोट्स नहीं बनाए थे, ऐसे स्टडी मटेरियल से पढ़ती थी, लेकिन जब फाइनल में आई तो मैं अपने खुद से सेल्फ नोट्स बनाने स्टार्ट करी, एंड इट वाज रियली हेल्पफुल सर। ओके ग्रेट। सो आपने सेल्फ स्टडी किया, 4 to 5 times रिवीजन किया। अच्छा एग्जाम आपने सिंगल सिंगल ग्रुप दिया था या फिर आपने बोथ ग्रुप अटेम्प्ट किया? मैंने हमेशा सिंगल सिंगल ग्रुप ही दिया है हर एक बार। अच्छा ये भी एक क्वेश्चन रहता है स्टूडेंट्स का कि सर मैंने जैसे एक ग्रुप का पेपर दे दिया है तो क्या मैं नेक्स्ट ग्रुप की क्लासेस स्टार्ट करूँ या फिर रिजल्ट का मैं वेट करूँ, तो आप क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करते थे, आप नेक्स्ट ग्रुप की आप क्लासेस स्टार्ट कर देते थे पेपर के बाद? यस यस सर, आई विल रिकमेंड टू स्टार्ट द योर टू स्टार्ट योर प्रिपेरेशन, क्योंकि हम क्यों वेट करेंगे, रिजल्ट को जो आना है वो तो आएगा, तो हम अगर दूसरे ग्रुप का प्रिपेरेशन स्टार्ट कर देंगे, अगर नेगेटिव रिजल्ट भी आता है तो हमारा जो दूसरे ग्रुप है उसका स्टडी हमारा ऑलरेडी हो चुका होगा, तो जो भी नेगेटिव अगर रिजल्ट भी आता है तो वो हम पढ़कर फिर से दे सकते हैं एग्जाम।
तो वेट करके बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, आई विल रिकमेंड दैट। ओके ग्रेट। अच्छा पेपर में लाइक वो 3 आवर्स के जो पेपर्स होते हैं राइट, वो भी कहीं ना कहीं एक चैलेंजिंग टास्क होता है, बिकॉज आपने कितना पढ़ा है उससे ज़्यादा ये मैटर करता है आप कितना लिखते हो राइट। तो आप वो कैसे आप मैनेज करते थे वो 3 आवर्स को अपने एग्जाम हॉल में? तो मैं क्या करती थी, पहले जो हमको 15 मिनट्स मिलता था ना क्वेश्चन को रीड करने के लिए, तो उस टाइम पे मैंने एमसीक्यू में नहीं देखती थी, मैं सब्जेक्टिव जो पार्ट होता है वो देख लेती थी कि इससे कौन सा आंसर मुझे, कौन सा क्वेश्चन का मुझे आंसर परफेक्टली आता है, तो वो मैं टिक मार्क करती रहती थी। और जब मैं स्टार्ट करती थी तो मैं एमसीक्यू पहले सॉल्व कर देती थी, और एमसीक्यू के लिए ऐसे टाइम फिक्स कर देती थी, इतना टाइम मेरे एमसीक्यू के लिए है, और बाकी जो सब्जेक्टिव है उससे मैं जो जो मुझे पहले आता है वो मैं अच्छे से लिख देती थी। उसके बाद जो जो मुझे नहीं आता था मैं हमेशा ट्राई करती कि 100 मार्क पेपर अटेंड करूँ के सर, और अगर वो नहीं भी होता है तो 80 मार्क अगर मैं करती हूँ भी तो उसका क्वालिटी मैं बहुत अच्छे से मेंटेन करूँ, जो 80 मार्क का पेपर होता है। नहीं तो 100, अगर हमें कुछ कुछ नहीं आता है तो 100 मार्क पेपर अटेंड करना चाहिए, क्योंकि उससे स्टेप मार्किंग ये सब मिल जाता है, तो आपका पास का चांस बहुत हाई चांस हो जाता है। या ग्रेट। तो ये सारी आपकी स्ट्रेटेजी रही थी ड्यूरिंग दी CMA क्वालिफिकेशन। अच्छा आप अपने इंटर्नशिप के बारे में थोड़ा सा स्टूडेंट्स को बताओ, लाइक कि आपने इंटर्नशिप फॉर्म से किया था या फिर कंपनी से की थी? हाँ सर, क्यों, मैंने फॉर्म से ही किया था, क्योंकि मैं जो सिटी में रहती हूँ वहां पे कोई सीए फॉर्म या सीएमए फॉर्म ऐसे नहीं है, तो मैंने भुवनेश्वर में गई थी, वहां पे एक छोटी सी सीएमए ही प्रैक्टिसिंग सीएमए ही वो थे, तो वहां से मैंने 6 मंथ का उस टाइम मेरा 6 मंथ का आर्टिकलशिप एप्लीकेबल होता था, तो मैंने 6 मंथ का ही आर्टिकलशिप किया था, क्योंकि मुझे फाइनल बहुत जल्दी कंप्लीट करना था, क्योंकि मेरा इंटर सर लॉकडाउन के वजह से बहुत लेट हो गया था, तो मुझे ये था कि टारगेट मुझे अभी फाइनल जल्दी से खत्म करनी है, तो मैंने सिर्फ 6 मंथ ही आर्टिकलशिप किया था, और उससे वहाँ वो 6 मंथ में ज्यादातर मैं ऑडिट में ही काम की थी सर। ओके सो काफ़ी अच्छी रही आपकी जर्नी, आपने CMA कंप्लीट किया फर्स्ट अटेम्प्ट में, आपको अच्छी जॉब मिल गई। तो लाइफ मैं चाहूँगा कि और अच्छी अच्छी लाइफ में आप चीज़ें अचीव करते रहो, आगे बढ़ते रहो। कुछ ऐसे टिप्स एंड सजेशन जो आप स्टूडेंट्स को देना चाहते हो कि उन्हें ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए जब वो CMA कोर्स कर रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में CMA क्वालिफाई करें तो? हाँ सर, मैं ये बोलना चाहूंगी कि आप हमेशा एक स्ट्रेटेजी बनाओ और वो खुद आप ही बना सकते हो, पास्ट ईयर पेपर को अच्छे से देखो और एनालाइज करके अपने अपने हिसाब से एक स्ट्रेटेजी बनाओ और स्ट्रिक्टली वो स्ट्रेटेजी को फॉलो करो, उसके बाद अच्छे से रिवीजन करो, 4 to 5 रिवीजन इज मस्ट, उसके बाद कोई भी आपको नहीं रोक सकता है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर ना करो। ओके ग्रेट थैंक यू। हाँ, क्योंकि सर हार्डवर्क तो सब करते हैं लेकिन स्मार्ट वर्क करना भी बहुत जरूरी है। या ट्रू। सो ऑल द बेस्ट दीजा फॉर योर फ्यूचर, आई होप कि आप लाइफ में और अचीवमेंट्स लेते रहो। थैंक यू सर। और सर लास्टली मैं आपको बहुत ज्यादा थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि आज मैं जहाँ पे भी हूँ उससे आप वो मेरे ये जर्नी में आप भी एक बहुत बड़े हिस्सा रहे हो सर, आपके वजह से मैं इतना अच्छे से कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू दे पाई, मुझे तो कभी बिलीव भी, सच में सर मैं जब इंटरव्यू देने भी जिस दिन गई थी ना मुझे बिलीव नहीं था कि मेरा होगा, क्योंकि इतना सारा बच्चे आएंगे, मतलब मुंबई कैंपस था तो उसमें इतना सारा स्टूडेंट्स आए थे और बहुत सब इतना स्मार्ट थे, इतना सब कॉन्फिडेंट थे, तो मुझे होप भी नहीं था कि मेरा होगा, लेकिन सर मेरा गॉट गॉट फीलिंग बोल रहा था कि नहीं मेरा वेदांता में ही होगा, तो जब हुआ तो मैंने पहले पापा को कॉल किया, उसके बाद मैंने आपको ही किया सर, कि जो जिनके वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ तो उनको पहले ही न्यूज़ देना चाहिए। राइट राइट राइट। नहीं मुझे भी बहुत अच्छी फील होती है, लाइक लास्ट टाइम में मुझे याद है एक स्टूडेंट ने जब मुझे कॉल किया था ही वॉज क्राइंग, उसका भी वेदांता में हुआ था कोलकाता कैंपस में। तो लाइक ये ना हर किसी के लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट होता है, बिकॉज हम CMA कोर्स जब हम ज्वाइन करने जाते हैं हम यही सोचते हैं
क्या पैकेज मिलेगी, क्या जॉब मिलेगा, क्या फ्यूचर होगा. हमारे छोटे छोटे से ड्रीम्स होते हैं जिसके हम लिस्ट बनाते हैं, हम वो भी सोचते हैं कि हम उसको अचीव करना है, राइट. तो अब वो टाइम आ चुका है कि आप धीरे धीरे अपने सारी ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हो. तो वो एक हैप्पी मोमेंट होता है, एक अच्छी जॉब लेना. तो मैं इसीलिए मैंने ये स्टार्ट किया, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि सारे स्टूडेंट जो मेरे जैसे हैं वो मेरे से अच्छा करे. हाँ सर, हाँ इसीलिए सर मैं सबको रिकमेंड करूंगी जल्दी से सीएमए फाइनल पास करो और उसके बाद रोहन सर के क्लास लो जल्दी से। ओके, थैंक यू.